हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5 कंप्लीटिंग द सेंटेंस के अंतर्गत। देखिए, पहला सेंटेंस आपका वेट हेयर, इसका अर्थ है यहाँ इंतज़ार करो, टिल जब तक, आई कम बैक लिख लीजिए या आई रिटर्न, जब तक मैं लौटूँ तब तक यहाँ इंतज़ार करो। यू कैन गो, आप जा सकते हैं, वेयर जहाँ, यू लाइक, यू वांट या यू विश, जहाँ पर भी आप चाहें। अनलेस यू वर्क हार्ड, या अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, कोमा लगाइए यहाँ। अगला सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा अगर अनलेस वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, या लिख दीजिए यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। ऑल दो ही इज पुअर, यदि वह गरीब है। अब ऑल दो वाले सेंटेंस में आप या तो कोमा लगाइए यहाँ, या लिखिए यट। ऑल दो ही इज पुअर, यट ही इज हैप्पी, या ही इज ऑनेस्ट। ही गोट गुड मार्क्स, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए, बिकॉज, क्योंकि, ही वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत की। नलोयन वाज सो वीक, शेर इतना कमजोर था। यहाँ पर दैट लिखिए, दैट का मतलब की, यहाँ फिर लोयन के लिए ही लगाइए, इट भी लगा सकते हैं। नलोयन वाज सो वीक दैट ही, अगर यहाँ वाज है तो यहाँ जो भी आपने सब्जेक्ट लगाया है इट या ही, उसके बाद कुड नोट लिखेंगे। अगर यहाँ होता इज तो यहाँ लिखते हम कैन नोट, तो हम लिखेंगे द लोयन वाज सो वीक दैट ही कुड नोट। अब लिख दीजिए आप वॉक, या ही कुड नोट गो फॉर हंटिंग, या लिख दीजिए ही कुड नोट रन। सी वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करती है, सो दैट का मतलब ताकि, ताकि का मतलब यहाँ यह है कि वह मेहनत करती है, आगे कोई संभावना है इसमें। सी वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करती है सो दैट, यहाँ लिखिए जो सी है, सी वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करती है सो दैट सी, यहाँ पर आपको मे लगाना पड़ेगा एम ए वाई संभावना के लिए, सी मे गेट गुड मार्क्स, वह मेहनत करती है ताकि उसे अच्छे अंक मिल जाए। सी मे सक्सीड भी लिख सकते हैं हाँ, या सी मे गेट फर्स्ट डिविजन भी लिख सकते हैं। रन इज टॉलर, देखिए टोल की कंपरेटिव डिग्री लगी हुई है टोलर, तो इसके बाद एक तो देन का प्रयोग जरूर होगा, टी एच ए एन, यानी कि रानी इज टॉलर देन, देन के बाद आप लिख दीजिए आई, या किसी लड़की का नाम लिख दीजिए, रेखा, स्नीता, जो भी, ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इफ ही कम्स टू मी, इसका मतलब है यदि वह मेरे पास आएगा। ये सेंटेंस बना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आप बनाएंगे अगला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में, ये रूल है। इफ ही कम्स टू मी, यदि वह मेरे पास आएगा, कोमा लगाइए, आई सेल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा, या आई सेल गिव हिम सम मनी। मेक हेस्ट, इसका मतलब होता है जल्दी करो, मेक हेस्ट, जल्दी करो, इफ, यदि, यू वॉन्ट टू कैच द ट्रेन, यदि आप रेलगाड़ी पकड़ना चाहते हैं। सी वेप्ट बिटरली, वह फूट फूट कर रोई, बिकॉज, क्योंकि, हर सन डाइड, क्योंकि उसका बेटा मर गया, या हर हस्बैंड डाइड, इसको पूरा तरह से भी कर सकते हैं हम, सी वेप्ट बिटरली ऑन द डेथ ऑफ हर सन। ही वॉज वेलकम्ड वैन ही अराइव्ड, उसका स्वागत किया गया जब वह पहुंचा, ही वॉज वेलकम्ड वैन ही अराइव्ड, या वैन ही केम। अलका इज सो ब्यूटिफुल, अलका इतनी सुंदर है, एज, जितनी की ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी होती है, इसको ऐसे पूरा कर सकते हैं आप, अलका इज सो ब्यूटीफुल एज ए प्रिंसेस, पी आर आई एन सी डबल एस। स्टे, ठहरो या रहो, वेयर, जहाँ पर, यू आर, तुम, ये सेंटेंस ये अच्छा बनेगा, स्टे वेयर यू आर, जहाँ पर हो वहीं पर रहो। एज सून एज, जैसे ही हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना, जैसे उसने समाचार सुना, यहाँ पर कोमा लगाइए, ही informed me, उसने मुझे सूचना दी, या ही became happy, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये जो no sooner did है, ये इसी का negative word है, as soon as का ही। No sooner did we come out, इसकी हिंदी निकलेगी कि हम बाहर आए ही थे। No sooner did we come out, हम बाहर आए ही थे, यहाँ पर sooner लगा है, complete degree है soon की, तो आप यहाँ then का प्रयोग करेंगे, then, then it started raining, हम बाहर आए थे कि वर्षा होने लगी। स्टूडेंट्स, ये आपके 5 रूल हो गए हैं कंप्लीटिंग द सेंटेंस के। इसके बाद आपको बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर्स की एक्सरसाइज दी गई है,
इनको आपको रोज एक एक्सरसाइज पूरी करनी है, उसके बाद मैं रोज आपको एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भेजूंगा, आप उसमें फिर मिलाकर अपने सेंटेंस चेक कर सकते हैं, या अपने सेंटेंस आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी भेज सकते हैं।